उत्तराखंड के अल्मोड़ा का लाल फोन पर अपने पिता से बात करते हुए कह रहा था, मैं जल्दी घर लौटूंगा। लांस नायक दिनेश सिंह ने अपना वादा तो पूरा किया, मगर पिता ये नहीं जानते थे कि बेटा तिरंगे में लौटेगा। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों से मोर्चा लेते हुए भारतीय सेना के 2 ऑफिसर और 3 जवान शहीद हो गए। इन्हीं जवानों में उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाले लांस नायक दिनेश सिंह भी शामिल थे। इसी महीने दिनेश को घर आना था, लेकिन लॉकडाउन के कारण वे कश्मीर में ही रुक गए। 2 दिन पहले ही अपने पिता से बातचीत में दिनेश ने जल्द घर लौटने का वादा किया था। शहीद दिनेश सिंह 2015 में सेना में भर्ती हुए थे। दिनेश आखिरी बार पिछले साल दिसंबर में अपने घर गए थे। अब मई जून में उन्हें घर आना था। लांस नायक दिनेश की शादी भी नहीं हुई थी। पिता गोधन सिंह और दिनेश की माता तुलसी देवी को जब बेटे की शहादत की खबर लगी तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दिनेश इस घर के एक लौते बेटे थे। उनकी एक बहन है जिसकी शादी कुछ साल पहले हो चुकी है। दिनेश की शादी के सपने उनकी माँ बाप ने देखे थे, जिसको लेकर वे तैयारियों में भी जुटे थे, लेकिन बेटा तो देश के लिए कुर्बान हो गया। शहीद दिनेश सिंह का पार्थिव शरीर जब घर पहुंचा तो गांव के सभी लोग वहां पहुंच गए। सैकड़ों लोगों की भीड़ जाबाज के अंतिम दर्शन को पहुंची। रो रो कर माँ का बुरा हाल है। न्यूज़ डेस्क।